नमस्कार, मैं माही पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। भंडारा जिले में चलाई जा रही केंद्र सरकार की विधि योजनाओं की प्रगति का जायजा सांसद सुनील मेढे ने लिया। सन 2022 तक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सभी को घरकुल के अंतर्गत घरकुलों के निर्माण कार्य प्राथमिकता देकर पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने इस अवसर पर दिए और आश्वस्त किया है कि इसके लिए केंद्र की ओर से निधि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जिला विकास समन्वयक और संनियंत्रण समिति की बैठक जिला परिषद सभागृह आयोजित की गई थी। इस अवसर पर वे बोल रहे थे कि जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगे, विधायक डॉक्टर परिणय फुके, राजू कारी मोरे, जिलाधिकारी एमजे प्रदीप चंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, उप वन संरक्षक विवेक होशिंग, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाल, जिला ग्रामीण विकास विभाग की प्रकल्प अधिकारी मनीषा कुरसुंगे और विविध विभागों के प्रमुख अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक में शहरी नगरीय क्षेत्रों में चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1556 नए घरकुल का प्रारूप तैयार किया जाने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि भंडारा शहर में इस योजना के तहत 16,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सांसद मेढे ने इसके लिए सुयोग नियोजन कर काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संपूर्ण भंडारा जिला ODF होने की जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में झुड़पी जंगल पर अतिक्रमण गांव में, जहां अतिक्रमित जमीन 1 हेक्टेयर से कम है और वहां 75 से कम पेड़ है, उन्हें नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का सुझाव विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने दिया। इस अवसर पर पिछली सभा के इतिवृत्त पर चर्चा कर उसे स्वीकृति दी गई। बैठक में सांसद मेढे ने जिले में कर्ज वितरण का बैंकवार जायजा लिया। यह बताए जाने पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जिले में एक वर्ष में 5301 प्रकरणों के तहत 62.75 करोड़ रुपए कर्ज वितरित किया गया। मेढे ने कहा कि मुद्रा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, अंत बैंकों को इस योजना के तहत अधिकाधिक कर्ज आवंटित करना होगा। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकात्मिक जल प्रबंधन, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया आदि का जायजा लिया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। सांसद मेढे ने इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.